तो शाम के बज गए अभी 4 और राहुल मेरे बगल में आके सो गया आके, तो मैं भी सो गया और अभी लेटा लेटा सो रहा मैं अभी जगा हूँ और ये अभी देखो लेटा लेटा सो रहा है। ओए उठ जा भाई, सो नहीं रहा हूँ मैं अभी, तुम्हें जगाने के लिए आया था। मैं ही सो रहा था लेकिन ये जग गया था पहले। चलता हूँ, राहुल बार बार कह रहा है मुझे एक रील बनानी है, रील बनानी है, मेरा एक सूट कर दो चल के। तो चलो फिर भैया राहुल की रील भी बनवा देते, मैं मुंह वगैरह धुल लेता हूँ। और तुम यार बनियान में रील बनाओगे क्या? कपड़े पहन नहीं रहा, मैं से कह रहा रील बनाओ रील बनाओ रील बनाओ, कहाँ से बनवा दे रील। चलो यार मुंह धुला पहले तो। चलो यार कपड़े पहनो, रील बनवाने हो हमसे उतनी देर से उंगली करके रह गए, रील बनानी है उठो जल्दी, रील बनानी है उठो, और खुद हम कपड़े वगैरह कुछ नहीं पहनना। तो राहुल तो पहुंच गया है रूम में, अब चलता हूं मैं भी, इसका रील थोड़ा कैमरा मेरे ही फोन से बनेगा वीडियो इसका। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल कुमार ब्लॉग भगवान नहीं मेरी पहले पहचान लिया करती थी। और शक्ल कैसी आ रही है चप्पू जी? और हमारी रिंग लाइट रेडी है जो अभी अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इसका। तो आर यू रेडी? यस आई एम श्योर। आई एम श्योर को आई एम श्योर बोलते हैं राहुल जी, और इनको मैं 2-4 बार समझा चुका हूँ कि यार ये नहीं बोला जाता, लेकिन नहीं आई एम श्योर, आई एम श्योर नहीं आई एम श्योर इनकी, ठीक है तुम श्योर श्योर भोपाल कुछ भी बोलते रहो उनके, हमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन दूसरे के सामने सही से बोलना। रेडी पेन वेन लगा के बैठ जाओ अपना, जो कुछ भी बनाना है तुम्हें। ओके तो राहुल का वीडियो बनवा दो। राहुल अपनी तैयारी कर रहा है भाई, रुमाल घड़ी कर रहे हैं, कहाँ पे रखना है? यहाँ पे, वहां से हटाओ ना, घर भी लगेगी। मैंने ना फैन बंद कर दिया, जो मेरा बोया वाला माइक था वो यार चला गया, मैंने रिफंड कर दिया। राहुल का 2 मिनट का वीडियो तो शूट हो गया है, और भाई को देखो पसीने निकल गए वीडियो शूट करने में, क्योंकि हमने पंखा बंद कर दिया था और पंखे में बहुत ज्यादा आवाज आती है यार, हम कुछ बता नहीं सकते हैं, पर अब माइक बहुत जल्दी आ जाएगा हम लोगों का। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया 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 आ रहा था, रिंग लाइट हमारी अच्छे तरीके से काम कर रही है। राहुल का वीडियो बनते बनते ना लाइट ही चली गई, तो बाहर निकल आए, जैसे ऐसा लगता है जैसे चूहे के बिल में पानी डाल दो तैसे आदमी बाहर निकल आता, वैसे हम लोग बाहर निकल आए। अब लाइट आ जाए फिर से इसका एक और वीडियो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि यार वो वीडियो सही नहीं आया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, तो लाइट आ जाए फिर बनाएंगे इसका। तो अभी और बोल रहा हूँ इसे प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, वो सब भूल गया। लाइट भैया फिर से आ चुकी है, अब राहुल की पूरी रील बनवा दूँ चल के यार, नहीं तो ये मेरे प्राण चुन लेगा आज। ये देखो खुशी। लाइट ओपन करो पहले, टिंग। चलो अब पंखा फिर से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आवाज इनकी राहुल की कम आएगी, पंखे की ज्यादा आएगी। अभी हुआ ये कि वीडियो हम लोगों ने बनाया तो लैपटॉप ज्यादा दिख रहा था, राहुल जी की इतनी इतनी मुंडी आ रही थी। 1 2 3 बोलो। चलो तुम बोलो। तो मैंने अभी रील बनाते समय इससे बोल दिया 1 2 3 और भाई हंसना चालू कर दिया भाई ने। चलो अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं भी यहाँ पे गर्मी लग रही है यार काफी ज्यादा, पंखा नहीं चल रहा। चलो राहुल यार हंसो थोड़ा, ऐसे एकदम हंसते हो। राहुल का वीडियो कंप्लीट हो गया, अब फैन को चालू करते हैं यार, बहुत ज्यादा लग रही है। तो अब बाहर चलते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, फैन वगैरह बंद कर देता हूँ, और अब देखता हूँ चल के इसका वीडियो कैसा बना। लेकिन वीडियो तो काफी अच्छा बना है, मैंने भी देखा, वैसे वैसे ही लग रहा था कि वीडियो अच्छा बनेगा। तो बैठ के तो अब बालकनी में बैठ के अब और अच्छे से देखता हूँ, अब बैठेंगे बालकनी में। हाँ मेरी बारी है किचन में काम करने का, बर्तन वगैरह साफ करने का, तो किचन मेरी ऐसी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा है अभी बर्तन वगैरह साफ करता हूँ, लेकिन किचन की सफाई ना सुबह सुबह करूंगा, क्योंकि अभी कपड़े मेरे खराब हो जाएंगे और किचन की काफी ज्यादा कंडीशन खराब हो रखी है। तो अभी रखा था सुबह का दूध यहाँ पे, तो उसकी चाय बनाता हूँ यार मस्त, शाम को पीते हैं चाय, क्योंकि आज दिन में दूध का काम ही नहीं पड़ा हम लोगों को, क्योंकि खाना वगैरह हो गया, नाश्ता भी हो गया था, तो दूध बच गया, तो अब शाम को उसकी चाय बना रहे हैं। देख रहे हो अदरक को कूटने की, बेलन ले लिया, गिलास ले लिया, उसमें डाल के कट 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 मस्त से। तो बालकनी में बैठ के चाय पियेंगे हम लोग बैठ के आज।
तो अभी खाने के लिए हमने चावल बनाने के लिए रख दिए और अपनी जुगाड़ देख रहे हैं आप किस टाइप से, तवा, तवा के ऊपर कटोरा, कटोरे के ऊपर कुकर, क्योंकि इसका ये बैलेंसर हट चुका है यहाँ से, तो चाय बन के रेडी हो चुकी है, तो इसको पीता हूँ चल के बाहर बालकनी में बैठ के। तब तक चावल बन के रेडी हो रहे हैं हमारे, बैठ के बालकनी में चाय पी रहे हैं। मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो चाय पार्टी और सामने से चलती हुई रोड को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बज रहे हैं अभी 10 और सबने हम लोगों को घर पे बुलाया है क्योंकि उनका बेबी आज हॉस्पिटल से घर पे आ चुका है, तो पता नहीं किस लिए हम लोगों को बुला रहे हैं। तो राहुल भी रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गया, पता नहीं किस लिए बुला रहे हैं वो, तो अब चलते हैं वहाँ पे देखते हैं चल के सर क्यों बुलाएं। तो सर का घर थोड़ी दूर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ऋषिकेश में कभी अंधेरा लगता ही नहीं कि रात हो गई, क्योंकि यार यहाँ पे ना पूरी एरिया में, पूरा माहौल में लाइट लगी हुई है। तो ये देख लो गली पूरी सुनसान है पर लाइटें जल रही हैं, दिन सा पड़ा रहता है यहाँ पे। तो हमारे खड़े खड़े गेट पे ही इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे, तो हो आए तो वहाँ पे मिठाई वगैरह खिलाई थी सबने, तो खा पी के लौट आए और फ्लैट की लाइट बंद कर दी थी राहुल ने, अब रोशनी हुई आके, और कुछ दिया भी हम लोगों को, शाम को भी खाएंगे हम लोग। तो अब बनाएंगे खाना, आलू उबाल के सूखी सब्जी मस्त वाली जो मेरी फेवरेट है। तो खाना तो बना के रेडी हो चुके, तो खाने में क्या है आज हमारे खाने में, चावल, प्याज, पनीर की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी जो कि कुकर में रखी हुई है, तो इसे फिनिश करते हैं। तो रात के बजे अभी 12 और खाना अभी हो चुका है हम लोगों का। तो आई होप आज का आपको ब्लॉग ये पसंद आया हो, मैं यार डाल लेता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल जो मैं करता हूँ यहाँ पे, जो भी दिन भर मैं एक्टिविटी करता हूँ तो मैं उसका वीडियो बना के आपको डाल देता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में आपको कोई ट्रैवलिंग ब्लॉग भी मिल सकता है और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।